आजाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम जोरों पर, नून लीग ने हटियावाला में मैदान लगा लिया। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर के आबाई हल्के में जलसा, मतवालों की आमद जारी, मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं स्टेज पर मौजूद। बिलावल सियासत की रौनक करार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सीवी मेरी जेब में है। मरियम नवाज गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रही हैं। 25 जुलाई को आजाद कश्मीर में इमरान खान की हुकूमत ही बनेगी। हारने के खौफ से पहले ही धांधली का शोर मचाया जा रहा है। अमेरिका को अड्डे ना देने का फैसला अटल है। अफगानिस्तान में भारत को मुंह की खाना पड़ी, शेख रशीद की मीडिया टॉक। तालिबान की पेशकदमी, भारत ने कंधार में काउंसिल खाना बंद कर दिया। सफारतकारों की खसूसी तैयारी के जरिए नई दिल्ली वापसी। काबुल का सफारत खाना और मजार शरीफ का काउंसलेट ताहाल फाल है, भारतीय मीडिया की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी मुहिम के नाकाबले यकीन नताए। सवात के इलाके मट्टा में बंजर पहाड़ सरसब्ज हो रहे हैं। आइंदा नस्लों के लिए साफ सुथरा और शादाब पाकिस्तान छोड़ेंगे, वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। शहबाज शरीफ पर 25 अरब रुपए जालसाजी से बाहर भेजने का इल्जाम, ये रकम वो है जो पता चल गई, असल रकम इससे ज्यादा हो सकती है। कहते हैं बच्चों को पता होगा, ऑपोजिशन लीडर तफ्तीशी टीम के किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं, फवाद चौधरी की तनकीद। झूठ, बदजुबानी, बदकलामी, इमरान साहब की कारकर्दगी। इनका काम सिर्फ लीगी मंसूबों पर तख्तियां लगाना और पुरानी उखाड़ना है। हुक्मरान एटमी प्रोग्राम से नवाज शरीफ का नाम कैसे मिटाएंगे? इल्जामात का बयानिया अदालतों में तबाह हो गया, मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। खैबर पख्तूनख्वा में अहम शख्सियात से स्पेशल पुलिस की सिक्योरिटी वापस। अमीर हैदर होती, एमल वली खान, मियां इफ्तखार हुसैन, आफ्ताब शेरपाव, अमीर मकाम समेत दीगर सियासी रहनुमाओं को दिए गए खसूसी एहलकार वापस ले लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेना मुजरिमाना इकदाम। अमीर मकाम आफ्ताब शेरपाव और मियां इफ्तखार पर पहले भी हमले हो चुके, इन रहनुमाओं को कोई नुकसान पहुंचा तो कौन जिम्मेदार होगा? शहबाज शरीफ का सवाल। कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा, मुस्बत केसेस की शरह 4.09 तक पहुंच गई। मोहलक वायरस मजीद 27 अफराद की जान ले गया। अब तक 22,582 अम्बात, 24 घंटे में 1,980 नए मरीज, 9,73,284 शहरी मुतासर। ईद उल अज़हा पर कोरोना फैलने के खदशात, मवेशी मंडियों में एसओपीज के निफाज के लिए अहकाम जारी। पाबंदियों पर अमल दरामद के लिए टीमें तश्कील। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में होटल बुकिंग के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। तमाम सूबे कोरोना एसओपीज को सख्ती से फॉलो करें, एनसीओसी की हिदायत। भारत में कोरोना के वार जारी, एक ही रोज में 899 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 41,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक, मरने वालों की तादाद 4,08,000 से बढ़ गई। मास्क के इस्तेमाल के लिए आगाही मुहिम, लाहौर में लिबर्टी गोल चक्कर से फवारा चौक तक साइकिल रैली, बच्चों और ख्वातीन की भी भरपूर शिरकत। कराची में पाबंदी के बावजूद जगह जगह छोटी बड़ी मवेशी मंडियां कायम, कुर्बानी के जानवरों की गैर कानूनी फरोख्त का सिलसिला जारी। कोरोना एसओपीज भी नजरअंदाज, पुलिस और जिले इंतजामिया व्यापारियों से माल बटोरने में मसरूफ, छतों पर पाले जानवरों को उतारने का सिलसिला भी शुरू। लाहौर की मवेशी मंडी में मौला जट की धूम, कीमत सिर्फ 20 लाख,
व्यापारियों ने महंगाई का चांद चढ़ा दिया, लोगों को मनपसंद जानवरों की तलाश में ख्वारी, शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। लाहौर में बादलों के ढेरे, फैसलाबाद समेत कई शहरों में बारिश, 14 जुलाई तक पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल बरसने का इम्कान, बालाई इलाकों में सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। और यूरो फुटबॉल कप का ताज किसके सर, लंदन का वेम्बले स्टेडियम तारीख साज मुकाबले की मेजबानी के लिए तैयार, फैसला कुन मार्के में इंग्लैंड और इटली आज रात आमने सामने होंगे।